वेल गाइस, तो फाइनली WWE NXT का हेलोवीन हैवक पेपर व्यू ओवर हो चुका है और आज यहां पर WWE NXT के हेलोवीन हैवक पेपर व्यू के ओपनिंग के ऊपर हमें यहां पर NXT का नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर टोनी डी एंजिलो आज उनका टाइटल फॉर्मर चैंपियन ओबा फेमी के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के बीच में हमें यहां पर टेबल लैडर स्क्वायर मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज इस मैच के अंदर ओबा फेमी के पूरे मैच को डोमिनेट करने के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर टेबल के ऊपर चोक स्लैम के साथ टोनी डी एंजिलो ओबा फेमी को बीट करके मैच को जीत जाते गए और टाइटल रिटेन करते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर रॉक्सिन परेश, कोरा जेड, जूलिया और स्टेपनी वेकुर को फेस करते गए और आज यहां पर इन चारों वुमन्स के काफ़ी लंबे मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर जूलिया यहां पर उनका फिनिशर हिट करते गए और वैक्सुलन सुप्लेस के साथ वो इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर जरिया रिंग साइड एरिया पर आकर आज यहां पर जूलिया को कन्फर्म करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर आंद्रे चेस हमें यहां पर रिज हॉलैंड को फेस करते हुए दिखाई देते गए और इन दोनों के बीच में एम्बुलेंस मैच के अंदर आज यहां पर रिज हॉलैंड आंद्रे चेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए मैच के एंडिंग के ऊपर एम्बुलेंस के अंदर डालकर इस मैच को जीत जाते गए, जिसके बाद के शो के सेमी मेन इवेंट के ऊपर कैलेनी जॉर्डन उनका टाइटल फेडरल इन्फ्लुएंस के खिलाफ डिफेंड करते गए और गाइज फेडरल इन्फ्लुएंस के तीनों मेंबर को फेस करने के बाद आज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर फेटल इन्फ्लुएंस मेंबर फेलन हेनरी आज यहां पर कैलेनी जॉर्डन को बीट करके ब्रांड न्यू NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन बन जाती गए, जिसके बाद के शो के मेन इवेंट के ऊपर ट्रिकी विलियम्स उनका टाइटल आज यहां पर ईथन पेज के खिलाफ डिफेंड करते गए और इस मैच के अंदर हमें यहां पर रिज हॉलैंड के इंटरफेरेंस देखने को मिलते गए, जिसके बाद की बाबा रे आज यहां पर रिज हॉलैंड के ऊपर अटैक करते गए और इसके बाद फाइनली ट्रिक विलियम्स उनका फिनिशर हिट करके ईथन पेज को बीट करके टाइटल रिटेन कर लेते गए।